दोस्तों, भगवान का वास कण कण में होता है, उन्हें बस दिल से याद करने की ज़रूरत है। आपकी हर परेशानी वो हर लेंगे। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश में रहने वाली मनीषा जी हैं। वे माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं तथा माता का कोई भी त्यौहार, खासकर नवरात्रि, वे बड़े ही धूमधाम से मनाती है। माता की कृपा से ही उनकी 7 साल की एक सुंदर सी बेटी है। मनीषा जी यहाँ गाँव में अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार उनके गांव में एक गिरोह आया। दरअसल ये 5-6 लोगों का गिरोह था जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहला फुसला कर पकड़ कर उन्हें शहर में ले जाकर बेच दिया करते थे। एक दिन मनीषा जी की बेटी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते घर से कुछ दूर निकल गई और उन गिरोह की नज़र उस बच्ची पर पड़ गई। वे तो इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने बहला फुसला कर उस बच्ची को चुपचाप अपने कब्जे में ले लिया। केवल मनीषा जी की बेटी ही नहीं, उन्होंने करीब गांव वालों के 6-7 बच्चों का भी अपहरण कर लिया था। बस वे वहां से भागने की तैयारी में थे। उधर मनीषा जी की बेटी को जब लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए घर नहीं आए, तो मनीषा जी परेशान हो गई और अपनी बेटी को इधर उधर जाकर ढूंढने लगी। फिर रोते रोते ही उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया। मनीषा जी के पति भी इस बात को सुन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत इस बात की खबर पुलिस को दी। मनीषा जी रोते रोते और अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते माता के मंदिर जा पहुंची और माता के मंदिर जाकर माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मेरी बच्ची को वापस ला दो, मेरी बच्ची को वापस ला दो। इधर ये गिरोह के लोग ये बात जानते थे कि अब तक पुलिस को खबर हो चुकी होगी कि बच्चे गायब हैं और सड़क के रास्ते जाना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत, हाईवे पर हर जगह पुलिस तैनात होगी। तो इन लोगों ने जंगल का रास्ता चुना और सभी बच्चों को ये जबरदस्ती जंगल के रास्ते शहर ले जा रहे थे। जब वे लोग जंगल के बीचों बीच सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी वहाँ उन्हें एक विशाल शेर उनके सामने आते दिखता है। वह शेर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात माता रानी का शेर हो। उसे देख गिरोह के सारे आदमी डर गए और वे बच्चों को पकड़कर दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी शेर उछलकर बच्चों के पास आ जाता है और ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे उन बच्चों की रक्षा के लिए साक्षात माता रानी का शेर खड़ा हो। और जैसे ही वह दहाड़ता है, सारे गिरोह के लोग उस शेर से बचने के लिए बच्चों को वहीं छोड़ भाग खड़े होते हैं। सारी रात वो शेर उन बच्चों के साथ ही रहा, परंतु उन बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब सुबह पुलिस बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची, तो वह शेर खुद ही वहां से उनके आने से पहले निकल गया। पुलिस ने सही सलामत बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुँचाया। मनीषा जी अपनी बच्ची को देख खुशी के मारे उछल पड़ी और तुरंत मंदिर जाकर उसने माता को धन्यवाद दिया, क्योंकि आज माँ की वजह से ही मनीषा जी को अपनी बच्ची वापस मिली थी। तो दोस्तों, देखा अपने माँ का चमत्कार। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी माँ की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।